हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस आज मैं डबल कलर में बिगनर्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लेकर के आई हूँ इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम फोर के मल्टीपल्स में फंदे डालेंगे और साथ में थ्री फंदे अधिक डालेंगे यहाँ मैंने नाइनटीन फंदे डाले हैं फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको तो। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें थैंक्स फ्रेंड्स आप अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखें और मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहें थैंक्स वैसे तो ये डिज़ाइन सिक्स रो की है लेकिन जब हम इसमें जगह चेंज करते हैं एक बार डिज़ाइन जो बनाते हैं इसके बाद जगह चेंज करते हैं तो ये दोबारा हमें सिक्स रो की बनानी पड़ती है इसलिए ट्वेल्व रोज़ की डिजाइन बन जाती है इस डिज़ाइन में मेन कलर जो कि ये ग्रीन कलर है इसकी हम फोर रोज़ बिनते हैं और जो सेकंड कलर है इसकी हम टू रोज बिनते हैं अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं डिजाइन की फर्स्ट रो हम पूरी उल्टे फंदों से बनाएंगे जो फर्स्ट रो है डिज़ाइन की राइट right साइड से इसको हम उल्टे उल्टे फंदों से बनाएंगे पूरी रो हमें उल्टे फंदों से बनानी है ये इस तरह से बनाते चले जाएंगे डिजाइन की सेकेंड रो जो कि रॉन्ग साइड से है इस रो को भी हम पूरा उल्टे फंदों से ही बनाएंगे सेकेंड रो में भी जितने फंदे हैं सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बनाएंगे ये इस तरह से बनाते चले जाएंगे अब हम डिजाइन की थर्ड रो जो कि राइट साइड से है इस पर आ गए हैं ये डिजाइन की मेन रो है जिसमें की डिजाइन बनना शुरू होती है पहले तीन फंदे ये एक और दो और ये तीन तीन फंदे हम स्लिप कर लेंगे इसके बाद ये जो चौथा फंदा है यहाँ पर हम ये जो दूसरे कलर का ऊन है इस ऊन से डिजाइन बनाएंगे ये जो मोती जैसी डिजाइन है इस ऊन से बनेगी तीन फंदे हमने स्लिप कर लिए हैं ये जो चौथा फंदा है इस फंदे को हमें नहीं बिनना है चौथे और पाँचवें फंदे के बीच में जो गैप है यहाँ पे हम इस तरह सिलाई डालेंगे और एक फंदा जो सेकंड कलर है उससे बिन लेंगे ये इस तरह से थोड़ा ढीला फंदा बनाएंगे फिर ये जो फंदा है इसमें पीछे से सिलाई डाल करके एक सीधा फंदा बिन लेंगे एक फंदे से दो फंदे हो गए सिलाई पर ऊन लपेटेंगे और फिर इसी फंदे को पीछे से एक फंदा सीधा बिन लेंगे इस तरह से एक फंदे से चार फंदे बन जाएंगे फिर हम तीन फंदे स्लिप करेंगे चार फंदे की डिज़ाइन है तीन फंदे स्लिप किए जाएंगे चौथा फंदे से डिजाइन बनेगी तो चौथे और पांचवे के बीच में जो गैप है वहाँ पर सिलाई डालेंगे इस तरह से एक फंदा सीधा इस तरह से बिन लेंगे फिर इसी जो फंदा है चौथा इसमें पीछे की तरफ से एक फंदा सीधा बिन लेंगे दो फंदे हो गए और इसके बाद सलाई पर एक बार ऊन लपेट के तीसरा फंदा बनाएंगे और उसी फंदे से एक चौथा फंदा पीछे से बना लेंगे चार फंदे हो गए तीन फंदे फिर स्लिप करेंगे और फिर इसी तरह से चौथे और पांचवें फंदे के बीच की गैप से ये डिज़ाइन बनाएंगे ये मोती जैसी डिजाइन ये अभी नहीं ये करना है एक चार और पांच चौथे और पांचवें फंदे के बीच से ये एक लूप बनाना है दूसरा जो है सीधा बिन करके लूप बनाना है फिर फंदा लपेटना है और फिर पीछे से एक सीधा बिन लेंगे इस तरह से एक फंदे से चार फंदे बना लेंगे फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे और फिर इसी तरह से एक फंदे से चार फंदे बनाएंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है थर्ड रो में लास्ट के तीन फंदे हमने स्लिप कर लिए थे अब हम फोर्थ रो पे आ गए हैं इस रो में स्लिप किए हुए फंदे स्लिप किए जाएंगे ये तीनों फंदे हम स्लिप कर लेंगे ये इस तरह से स्लिप कर लेंगे उनको पीछे ले जाएंगे ये एक ये एक फंदे से चार फंदे बनाए थे इन चारों फंदों का हम सीधा एक फंदा बनाएंगे ये इस तरह से सलाई डाल करके चार फंदे से एक फंदा ये इस तरह से बना लेंगे ये चार फंदे हैं ये चार फंदों से एक फंदा ये बना लेंगे उनको आगे लाएंगे अपनी तरफ फिर तीनों फंदे तीन फंदे स्लिप जो किए थे वो तीनों फंदे हम स्लिप कर लेंगे फिर ऊन पीछे ले जाएंगे इन चार फंदों से एक फंदा सीधा बनाएंगे ये चार फंदे हैं इन चार फंदों को पहले इस तरह से ढीला कर लेंगे फिर पीछे से सलाई डाल करके एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर इसी तरह से ऊन आगे करके तीनों फंदे स्लिप कर लेंगे और फिर इसी तरह से ऊन पीछे करके चार फंदों से एक फंदा बना लेंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है ये इस तरह से फंदा बना लेंगे डिजाइन की फर्स्ट और सेकंड रो मैंने मेन कलर की बनाई डिज़ाइन की थर्ड और फोर्थ रो मैंने सेकंड कलर से बनाई और अब डिज़ाइन की फिफ्थ और सिक्स्थ रो जो है वो हम मेन कलर से ही बनाएंगे यह हमें फो फिफ्थ और सिक्स रो मेन कलर से बनानी है अब इसमें हम क्या करेंगे ये मेन कलर ले लेंगे ये जो ये फंदा है जिसमें हमने चार से एक फंदा बनाया है इस फंदे को हमें सीधा बनाना है इसके पहले वाला फंदा उल्टा बनेगा हमेशा इस फंदे को सीधा बनाना है इसके फंदे इसके पहले वाला फंदा उल्टा बनेगा और उससे पहले वाला फंदा सीधा बनेगा तो ये फिर मेरा फंदा उल्टा बनेगा ये इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे ये एक उल्टा फंदा बना लेंगे फिर एक सीधा फंदा बनाएंगे फिफ्थ रो में पहला फंदा हम उल्टा बना लेंगे ये मैंने उल्टा बना लिया है अब ये जो सेकंड नंबर का फंदा है इसको हमें सीधा बनाना है ऊन पीछे करेंगे और इसको सीधा बुनना है लेकिन इसको किस तरह से सीधा बुनेंगे इसको इस तरह से सीधा नहीं बिनेंगे ये इसके नीचे जो एक होल है इस वाले होल में डालेंगे सिलाई और एक सीधा फंदा बुन लेंगे ये फंदा इस तरह से उतार देंगे फिर ऊन आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनेंगे और इस फंदे को सीधा इसी तरह से बीन देंगे फिर उन आगे करेंगे एक फंदा उल्टा और उन पीछे करके ये फंदा सीधा बनाना है नीचे से लिया जाएगा ये और एक फंदा ये सीधा बना करके इस फंदे को उतार देंगे अब एक फंदा उल्टा बिनेंगे ये इस तरह से जैसे उल्टा बनते हैं और एक फंदा सीधा बिनेंगे ये जो हमने फूल ऐसा बनाया है मोती ऐसा बनाया है इसको सीधा भिन लेंगे फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगे ये जो तीन फंदे हैं इन तीन फंदों में जो बीच का फंदा बिना जाएगा सीधा उसको दूसरी तरह से बिनते हैं इस तरह से नहीं बुनते हैं इस यहाँ जो, जो ये होल है ये इस होल में डाल करके एक सीधा फंदा बुन लेते हैं और इसका इसको गिरा देते हैं फंदे को इस तरह से गिरा देते हैं फिर ऊन आगे करेंगे फिर ये ऊन आगे कर लिया हमने इसके बाद ये एक उल्टा फंदा बिन लेंगे फिर ये जो दूसरे कलर से बनाया है इसको एक सीधा बना लेंगे एक सीधा फंदा उन आगे करेंगे एक उल्टा फंदा और इसके बाद ये जो बीच बीच का फंदा है उसको उन पीछे करके ये नीचे से इस होल से ये यहाँ से नहीं बिना जाएगा सीधा ये होल से बिना जाएगा सीधा इस तरह से बिन करके और इस फंदे को इस तरह से उतार देंगे फिर एक उल्टा बनाएंगे एक सीधा इसी तरह से पूरी रो बनाएंगे अब हम डिज़ाइन की लास्ट रो पर हैं सिक्स रो है रॉन्ग साइड से है इसको पूरा हम उल्टे उल्टे, उल्टे फंदों से बनाएंगे इस रो को हम उल्टे फंदों से ही पूरी बनाते चले जाएंगे। ये इस तरह से बनाएंगे यहाँ मैंने सिक्स रो बना करके एक बार डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए है अब हम दोबारा डिज़ाइन बनाएंगे तो जगह चेंज करेंगे जो ये बूटी यहाँ बनी है वो यहाँ एक फंदा ये इस फंदे पे बनी है एक फंदा छोड़ करके इससे पहले वाले फंदे पर बनेगी इस तरह से डिजाइन की जगह चेंज हो जाएगी और सिक्स रो हम फिर से बनाएंगे तब ये इस तरह से दो लाइनों में डिजाइन कंप्लीट होगी अब हम दूसरी बार डिज़ाइन बनाएंगे तो दो रो हम एक ये राइट साइड से जो है फर्स्ट रो और रॉन्ग साइड से सेकंड से रो दोनों रो जो है हम उल्टे उल्टे फंदों से बनाएंगे अभी हम दोनों रो आपको उल्टे फंदों से बना करके के तब दिखाते हैं कि आगे हमें डिजाइन कैसे बनानी है ये इस तरह से बनाते चले जाएंगे यहाँ मैंने फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों रो उल्टे उल्टे फंदों से बना लिए क्योंकि हम दोबारा डिज़ाइन डालने जा रहे हैं और ये रो हमारी मेन कलर से बनी है अब हम सेकंड कलर लगाएंगे पहले हमने तीन फंदे स्लिप किए थे उसके बाद चौथे फंदे पर ये डिज़ाइन बनाई थी अब हम एक फंदा स्लिप करेंगे पहले ये एक फंदा स्लिप कर लेंगे और इस एक फंदे पर ये जो ये इसके बाद वाला फंदा है यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे डिजाइन हम किस तरह से बनाते हैं ये दोनों फंदों के बीच में जो गैप है वहाँ पर हम इस तरह से सिलाई डाल करके एक फंदा सीधा बना लेते हैं फिर इसी फंदे में पीछे की तरफ से एक फंदा सीधा बनाते हैं एक बार इस पर फंदा लपेट लेते हैं और फिर पीछे से एक फंदा सीधा बना देते हैं इस तरह से एक फंदे से चार फंदे बन जाते हैं फिर हम तीन, तीन फंदे क्योंकि हमने हमेशा तीन फंदे स्लिप किए हैं यहाँ मुझे जगह चेंज करनी थी इसलिए यहाँ पर हमने एक ही फंदा स्लिप किया है तीन फंदे स्लिप करेंगे ये तीन फंदे स्लिप करेंगे अब ये दो फंदों के बीच में जो गैप है यहाँ पर इस तरह से डिजाइन बनाई जाएगी एक फंदा इस तरह से ले लेंगे थोड़ा ढीला और इसके आधी सी फंदे में पीछे से एक सीधा बना लेंगे फिर इस पर एक बार लपेट लेंगे फंदा और इसके बाद फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे एक बार ऊन लपेट करके फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे एक फंदे से चार फंद हम फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे इस तरह से और फिर ये दो फंदों के बीच में कैप से इस तरह से एक फंदा सीधा बना लेंगे एक फंदा पीछे से सीधा बनाएंगे एक बार ऊन लपेटेंगे और फिर एक बार फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से ये डिजाइन बना लेंगे फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे फिर इसी तरह से हम डिजाइन बनाएंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है ये रो हमें इसी तरह से बनानी है एक फंदे से चार फंदे बनाने हैं और तीन फंदे स्लिप करने हैं पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है अब हम डिजाइन की फोर्थ रो पर हैं इस रो में जो फंदा स्लिप किया हुआ है उसे स्लिप करना है और जो फंदा बुना हुआ है यानी एक फंदे से चार फंदे बुने हुए हैं इन चार फंदों का एक फंदा बनाना है अब ये चार फंदे हम लेंगे ये इस तरह से और चार फंदों से एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर उन अपनी तरफ आगे करेंगे तीन फंदे स्लिप कर लेंगे ये इस तरह से उन पीछे ले जाएंगे और चार फंदों से एक सीधा ये चार फंदे हैं चार फंदों से एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर ऊन पीछे कर उनको अपनी तरफ लाएंगे तीनों फंदे स्लिप करेंगे ऊन को पीछे करके हमें चार फंदों से एक सीधा बनाना है इसी तरह से हमें पूरी रो बनानी है चार फंदे हैं इन चार फंदों का एक सीधा फंदा बना लेंगे और उन आगे करके तीन फंदे स्लिप करेंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है तीन फंदे स्लिप करने हैं चार फंदों का एक फंदा बनाना है इसी तरह से पूरी रो में हमें बनाना है हम फिफ्थ रो पर आ गए हैं जो कि मेन कलर से बनाई जाएगी और राइट साइड से है पहला फंदा जो है इसको हम उल्टा फंदा बिन लेंगे हमें हमेशा ये जो दूसरे कलर से बनाया हुआ फंदा है इसको सीधा बिनना है और जो तीन फंदे बीच में स्लिप किए हुए हैं इनमें बीच के फंदे को सीधा बिनना है तो एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे एक फंदा सीधा इस तरह से हमें बिनना है ये फंदा तो हम सीधा जैसे बिनते हैं उसी तरह से बिनेंगे जो दूसरे कलर से बनाया है उसके बाद एक ऊन एक ऊन आगे करके एक उल्टा फंदा बिनेंगे लेकिन ये जो तीन फंदों के बीच का फंदा है इसको सीधा हमें इस तरह से बिनना है कि इसके नीचे जो हमें जो हमें होल दिख रहा है इस होल से हमें एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस फंदे को इस तरह से गिरा देंगे फिर ऊन आगे करेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे, ऊन पीछे करेंगे ये फंदा हमें सीधा वैसे ही बनाना है जैसे हम बनाते हैं एक ऊन एक एक आगे करके एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर उन पीछे करेंगे अब ये जो तीन फंदों के बीचों बीच वाला फंदा सीधा बनना है उसको ये जो फंदा ये नीचे है होल वहाँ पर सलाई डाल करके एक फंदा सीधा बनेंगे और इस जो ये हमारा लूप है इसको इस तरह से गिरा देंगे फिर उन आगे करके एक उल्टा एक सीधा इसी तरह से हमें पूरी रो बनानी है अब हम डिजाइन की लास्ट रो सिक्स रो पर है रॉन्ग साइड से इसको बनाना है सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बनाने हैं इसी कलर से सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं